दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने इस साल 10वीं पास कर ली है। 10th पास करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। दसवीं पास करने के बाद आपको सब्जेक्ट लेना होता है। इन सब्जेक्ट में आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इस समय हम क्या करते हैं कि अगर अच्छे परसेंटेज आए तो आंख बंद करके भाई साइंस ले लेते हैं, अच्छे परसेंटेज आए तो कॉमर्स, अगर बुरे परसेंटेज आए, अच्छे नहीं आए तो आर्ट्स ले लेते हैं, या फिर अपने दोस्तों से पूछते हैं कि भाई तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मैं भी साइंस लेता हूँ, मैं भी आर्ट लेता हूँ, या फिर अपने पेरेंट्स की चॉइस का सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं और ये डिसीज़न उस समय रॉन्ग हो जाता है और इसका अफसोस हमें बाद में जाकर होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके परसेंटेज, क्या आपके दोस्त ये डिसाइड करेंगे कि आप लाइफ में क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि आपको अपना डिसीज़न लेना है, किसी के कहने पर हम ये डिसीज़न नहीं ले सकते। या फिर सिंपल सा तरीका है, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या साइंस या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप साइंस ले सकते हैं। अगर आप बैंकिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स इन सभी में रुचि रखते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप IAS, अगर कुछ इस तरह की जॉब चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये डिग्रियाँ, ये सब्जेक्ट आप लाइफ में कुछ करेंगे, जो भी वर्क करेंगे उससे इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो बस उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। फिर अच्छी कोई कंपनी में जॉब चाहते हैं तो वो सिर्फ उसकी फ़ोटोकॉपी दिखानी पड़ती है, फिर उसके बाद वो कूड़ेदान में फेंक देता है। सिर्फ इसका इतना ही मतलब है। इससे और पहले आप ये सोचिए, आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि, आपकी लगन किस में है। तो आप, कहने का मतलब ये है कि आप अपना ये जो डिसीज़न लेते हैं ये किसी के कहने पर या फिर देखा देखी इससे मत लीजिए। ये डिसीज़न आप अपने आप से, खुद से लीजिए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। या फिर हम सिंपल तरीके से देखें तो आप साइंस ले सकते हैं, साइंस में बायो या मैथ ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, आप मैथ को आर्ट में भी ले सकते हैं या फिर कॉमर्स में भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी तीनों फील्ड में अच्छे अच्छे जॉब है, अच्छी और अपॉर्चुनिटी है, और तीनों फील्ड में अच्छे अच्छे लोग आए हैं और आते रहेंगे। तो इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही था कि सारे फील्ड अच्छे हैं और ये डिसीज़न आपको अपने आप से, खुद से, अपने इंटरेस्ट, अपने ड्रीम के हिसाब से लेना है, न किसी के देखा देखी, न ही परसेंटेज के आधार पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।